हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला से रिवायत है, फरमाते हैं कि मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इरशाद फरमाते हुए सुना, दुनिया में दो रुखी इख्तियार करने वाला कयामत के दिन इस हालत में आएगा कि उसके आग के दो मुंह होंगे। दो रुखी समझते हो? आगे आ रही है एक और हदीस, फिर और समझ में आ जाएगी बात। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला से रिवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये अगली हदीस है, जो शख्स दुनिया में दो रुखी बातें और पॉलिसियां इख्तियार करता होगा, आप जो चाहें आपके साथ, ये जो चाहें इनके साथ, इधर गया आपका उधर गया आपका, नहीं समझ में आई, इख्तियार करता होगा, अल्लाह ताला कयामत के दिन उसकी दो जुबानें आग की लगा देंगे, उधर दो तो यहां भी दो। अगली बात सुनिए, किसी की इस दुनिया में, अच्छा दिखती दो जुबानें हैं या एक जुबानें हैं? एक ही दिखती हैं, लेकिन उसका ये अमल होगा और आखिरत का बदला आपके और हमारे अमाल के मुताबिक होगा। आखिरत में जो सजा आएगी वो भी तो उस अमल के मुताबिक ही आएगी। हजरत आला रजी अल्लाह तआला से रिवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पसे पुश्त किसको कहते हैं? पीठ पीछे। पसे पुश्त ऐब निकालने वाले, रो दरो क्या होता है? पसे पुश्त तो हुआ पीठ के पीछे और रू दरू आमने सामने। फरमाया पसे पुश्त ऐब निकालने वाले और रू दरू ताना देने वाले, जो ऐब निकालते हैं वो बिलउमूम क्या करते हैं? पीठ के पीछे, और जो रू बरू होते हैं वो ताना देते हैं, तूने ये किया था तूने वो किया था। चुगलखोरी में कोशिश करने वाले, चुगलखोरी क्या है? लगाई बुझाई। चुगलखोरी क्या है? इधर की उधर, उधर की इधर, आपकी सुनी थोड़ी सी मिर्च लगा के इनको कह दी, इनसे उड़ाई उनको कह दी, ताकि आप लोग माशाल्लाह आपस में प्यार और मोहब्बत से रहें, नफरत ना आने पाए आप लोगों में। ये होती है कोशिश चुगलखोर की, और उसकी इस हरकत को क्या कहते हैं? चुगलखोरी। फरमाया चुगलखोरी में कोशिश करने वाले, यहां इबारत का लफ्ज मिटा हुआ है लेकिन सियाक से पता चल रहा है, गुनहगारों की सिफाई पेश करने में हद से गुजर जाने वाले लोगों को अल्लाह ताला कुत्तों के चेहरों में उठाएंगे। दफन आपने किया होगा इंसानों के रूप में, कब्र से उठेंगे तो चेहरे कुत्तों जैसे बने हुए होंगे।